हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं फास्टैग का स्टेटस कैसे चेक करना है। जी, मैं आपको आज बताने वाला हूं आपका फास्टैग का स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, लो बैलेंस में है या ब्लैक लिस्टेड में है, और आपका फास्टैग कौन सा बैंक का है बोल के अगर आप नहीं जानते हैं कैसे चेक करना है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए मैं डिटेल्स आपको दिखाता हूँ और कौन सा वेबसाइट में आपको ये डिटेल्स चेक करना पड़ेगा। पहले हमको जाना होगा NPCI फास्टैग। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको चेक यूर NETC फास्टैग स्टेटस बोल के पहले वाले लिंक आ जाएगा। आप यहाँ पे व्हीकल नंबर एंटर करने से आपका फास्टैग रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ बोल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंटर द व्हीकल नंबर एंड एंटर द कैप्चा कोड एंड क्लिक ऑन चेक स्टेटस। अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे 3 फास्टैग रजिस्टर हो चुका है इस व्हीकल नंबर पे, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 बैंक में फास्टैग का स्टेटस इनएक्टिव दिख रहा है और 1 बैंक का फास्टैग एक्टिव दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे कौन सा बैंक का है फास्टैग बोल के हमको पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक और वेबसाइट है वो आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका व्हीकल में अगर कोई फास्टैग रजिस्ट्रेशन हुआ है तो टैग स्टेटस दिखाएगा और व्हीकल क्लास दिखाएगा और टैग आईडी दिखाएगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन भी क्या करना है बोल के कई बैंक का कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पे दिखाता है, राइट। अब हमारा बैंक कौन सा है फास्टैग का बोल के चेक करने के लिए हमको फिर से गूगल पे आना पड़ेगा। यस, गूगल में आके हमें क्या करना होगा, IHMCL फास्टैग बोल के सर्च कर देना। IHMCL फास्टैग सर्च करने के बाद हमको पहले वाला जो लिंक आया है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का IHMCL.co.in, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे फास्टैग का एक ऑप्शन रहेगा, आप कर्सर से मूव करना होगा। आपको यहाँ पे बाय मंथली फास्टैग पास बोल के एक ऑप्शन रहेगा, आप उसमें क्लिक कर दीजिए। करेक्ट, आपको ये सेलेक्ट टोल प्लाजा बोल के एक ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना, एक कोई भी टोल प्लाजा के नाम आप यहाँ पे सर्च करते हैं, आगरा टोल प्लाजा आप सेलेक्ट कर दीजिए। आप कहीं का भी है, अगर आप आगरा टोल प्लाजा सेलेक्ट करेगा ना, आपको क्या होता है वो ICICI एक्वायरर बैंक का वेबसाइट को लेके जाएगा। जी, यहाँ पे देखिए आप IDBI बैंक एक्वायरर बैंक दिखा रहा है यहाँ पे, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करने के बाद सर्च में क्लिक करना होगा। अब देखिए आपको पता चलेगा SBI का फास्टैग है, ये लो बैलेंस में भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में भी नहीं है और ब्लैक लिस्टेड में भी नहीं है। और ये IDFC का फास्टैग है, यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड भी नहीं, बट लो बैलेंस में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक फास्टैग इसमें एक्टिवेशन हुआ है, ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में भी नहीं है और लो बैलेंस में दिखा रहा है, यस बोल के दिखा रहा है। आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा आपने फास्टैग कब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। SBI का फास्टैग हो गया जैसे 2020 जुलाई 3 तारीख को, और IDFC फास्टैग हुआ है 2021 नवंबर 28 तारीख को हुआ है, सितंबर 3 तारीख को हुआ है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का फास्टैग एक्टिवेशन हुआ है 2021 सितंबर 3 तारीख को हुआ है। और हमारा जो व्हीकल का क्लास है VC4 है। VC4 के मतलब क्या होता है, कार, जीप, वैन या टाटा इस कैटेगरी का हो जाता है। आप चलिए इतना ही है आपको आज के लिए, आप आराम से फास्टैग का स्टेटस चेक कर सकते हैं और कौन सा बैंक में आपका फास्टैग रजिस्ट्रेशन हो गया बोल के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।